हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नेम है गाइडेड मीडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया ये चैनल ट्रांसमिशन का जो है डाटा ट्रांसमिशन जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वेव्स की फॉर्म में, इसको अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। इसको अनगाइडेड मीडिया इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें कोई स्पेसिफिक पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गाइड देने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस वे से आप डाटा ट्रांसमिट होगा। इसलिए इन सिग्नल्स को बाउंड होने की भी जरूरत नहीं होती केबलिंग मीडिया या रिलेटेड अस। तो इस तरह के मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जा सकता है। इसकी बिगेस्ट एग्जांपल जो है एटमॉस्फेयर स्पेस में माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है ये डाटा ट्रांसमिशन को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ऑलरेडी पिछले चैनल में मेंशन किया गया है, जो पिछला कम्युनिकेशन चैनल हमने पढ़ा था। इसमें ये होता है कि इसमें जो डाटा है वो केबल्स एंड वायर्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता बल्कि एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये माइक्रोवेव की एग्जांपल है। माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं जो कि ओनली वन डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं। इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में लिमिटेड कम्युनिकेशन को आप एरिया को एक रेडियस है उसको आप कवर अप कर सकते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को या सिटी को टारगेट किया जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इस बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करती है, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा मैसेज, और इसके अलावा जो लोकेशन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन वाया दिस एंटीनास, और इन एंटीनास को हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई में 20-30 माइल्स ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। ये अर्थ है, यहाँ पे माइक्रोवेव स्टेशन है, ये माइक्रोवेव स्टेशन यहाँ से सिग्नल सेंड करेगा, इसको देगा और ये इसको एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट जो अर्थ वेव माइक्रोवेव स्टेशन है। और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इसी बेस पे वर्क करते हैं, जो मोबाइल टावर्स जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट। ये एंटीना सैटेलाइट इनको ऑलरेडी आर सो यूज टू ट्रांसफर माइक्रोवेव सिग्नल्स और मैसेजेस को यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब ये जो सेटेलाइट स्टेशन है इनको लॉन्ग डिस्टेंस वन कंट्री टू अनदर अदर या वन स्टेट टू अनदर स्टेट में भी यूज किया जाता है, एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रांसमिशन में भी। सेटेलाइट ट्रांसमिशन जो है वो बहुत मैसेज सेंड और रिसीव भी करती है, जिसको अर्थ स्टेशन कहते हैं। ये अर्थ स्टेशन से सिग्नल रिसीव करती है। अब ये दो अर्थ स्टेशन है, ये एक डाटा सेंड कर रहा है और जो अपलिंक होगा, और ये सेंड कर रहा है दूसरे अर्थ स्टेशन को, ग्राउंड स्टेशन भी कहते हैं थ्रू सैटेलाइट। ये जो विंग्स हैं ये सोलर पैनल हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सनलाइट, और जिससे ये माइक्रोवेव के जो ये स्टेशन है पूरा सैटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रहती है। ए मेजर एडवांटेज, मेजर एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लार्ज वॉल्यूम, ह्यूज लेवल का वॉल्यूम है डाटा का, वो कम्युनिकेट करा सकता है एक ही दफा भी। और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वेदर फॉरकास्टिंग जैसा कि वेदर कंडीशन जब बैड हो तो इसमें इसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आ सकता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि इनके मैसेजेस इन सिग्नल्स के दरमियान इंटरप्ट भी हो सकता है, जैसा कि गाइडेड मीडिया में आपने जाना कि जो फाइबर ऑप्टिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है और सिक्योरिटी के इतबार से भी बहुत पावरफुल है, तो वहाँ पे डाटा के ड्रॉबैक्स नहीं है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह होती है कि जैसा कि ये जो अर्थ बेस्ड स्टेशन है ये वन टू अनदर
अर्थ पे स्टेशन को ट्रांसफर होते हैं, हम इसको जरा ओवरव्यू देखते हैं। ये सैटेलाइट स्टेशन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स और सोलर पैनल्स के साथ भी वर्क करते हैं। इसके अलावा लास्ट फ्यू इयर्स में मून को भी इसकी बेस पे यूज किया गया था, जो कि कम्युनिकेशन रिसर्च में, लेकिन वर्क प्रॉपर ना हो सके, इसमें सिग्नल के ड्रॉबैक्स आए थे। बट टाइम टू टाइम इनकी टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया गया। और इसमें एक और बात यह है कि वन अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट टू नेक्स्ट अर्थ स्टेशन जो डाटा ट्रांसफर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट 2 सेकेंड्स का डिले आता है। और इस सेटेलाइट स्टेशन आज जो के जो सेटेलाइट स्टेशन है यही आजकल की कम्युनिकेशन में प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसको सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट सेटेलाइट्स के थ्रू भी वर्क करके इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करते हैं, सच एज टेलीफोन कॉल्स, टेलीविजन चैनल, इंटरनेट ट्रैफिक, मिलिट्री कम्युनिकेशन, वेदर डाटा एंड इवन रेडियो स्टेशन। एक माइनर एग्जांपल लेते हैं, सच एज के वन अगर आप यूके में हैं और यूके से आप कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या स्वीडन या एसेट्रा किसी कंट्री में, सिंगापुर में, इसमें ये होता है कि पहले तो देखता है कि हमारा ये लोकल नंबर है जो कोड के साथ जा रहा है, तो वो कहता है नहीं लोकल नंबर है ही नहीं कंट्री का, तो ये मेन हेड ऑफिस ट्रांसफर करेगा और वहां से फिर वो बोलेगा ये किस कंट्री का कोड है। वो फिर यहाँ से अपलिंक जो होगा, जो हमने बैक फोटो में देखा था, अपलिंक होगा और उसमें यहाँ अपलिंक होगा और उस सैटेलाइट को ट्रांसफर करेगा जिसके साथ कनेक्टेड है, और फिर ये सैटेलाइट देखेगा कि ये कौन से कंट्री का कोड है। मैं उस सैटेलाइट मल्टीपल सैटेलाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं डाटा ट्रांसमिशन फास्ट के लिए, तो ये सिंगापुर के सैटेलाइट को ट्रांसफर करेगा और वो अगला जो सैटेलाइट होगा वो देगा हाँ मेरे कंट्री का कोड है, वो डाउनलिंक सेंड करेगा और इस तरह भी कॉल आपकी एस्टेब्लिश होती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन ये एक रेडियो बेस्ड नेटवर्क है जो डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर, और कंप्यूटर कैन कनेक्टेड टू नेटवर्क थ्रू वायर पोर्ट्स और थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। और जिसमें मोबाइल या कंप्यूटर्स हैं वो वायर पोर्ट के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। इसकी बिगेस्ट एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स, राउटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और इस तरह की सच डिवाइसेस हैं, गेमिंग कंसोल एक्सेट्रा, इनको मोबाइल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें एक और एग्जांपल भी आती है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टेड नेटवर्किंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।